जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो स्कूल टाइम में मेरे दोस्त थे, कुछ दोस्त क्या थे, क्लासमेट थे, दोस्त तो नहीं बोलूंगा, क्लासमेट थे। सरकारी स्कूल था भोपाल के अंदर, 94 की बात है, 1994 की बात है, सरकारी स्कूल था, 94-95 की बात है, सरकार गवर्नमेंट स्कूल था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्कूल था उस समय में, सुभाष स्कूल हुआ करता था वो भोपाल के अंदर, जो इस समय स्कूल फॉर एक्सीलेंस है भोपाल में। वहां पर हमारे दोस्तों बॉयज स्कूल था, लड़कों का स्कूल था और गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें मैं पढ़ा करता था। लड़के क्या थे भाई, वो तब समझ लीजिए छोटे मोटे जो होता ना मॉन्स्टर्स जो होते हैं, वैसे कुछ लड़के थे क्लास के अंदर। क्लास में वे फटाका लगा देंगे टीचर के लिए, वो जो दिवाली के बाद बम लगा देंगे, क्लास में बम फटेगा के और स्मोकिंग करेंगे। और हमारे स्कूल के आसपास एक गर्ल्स स्कूल था, सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल था, एक गर्ल्स कॉलेज था, नूतन कॉलेज था, एक महिला पॉलिटेक्निक था। और स्कूल में बच्चे लड़के स्कूल में कम रुका करते थे, खिड़की फोड़ देते थे, वो खिड़की का वो निकल के क्रॉस करके क्लास स्कूल का गेट बंद हो जाया करता था। स्कूल जब शुरू हुआ गेट बंद हो गया तो खिड़की से बाहर निकल के आसपास के पूरे मोहल्ले के चक्कर लगाएंगे, वो यही काम था उनका। और एक जोड़ी कपड़ा रख के लाएंगे, सरकारी स्कूल था तो खाकी पैंट व्हाइट शर्ट हुआ करती थी, तो एक जोड़ कपड़ा लेके आएंगे बढ़िया अपना जो है वो कलरफुल शर्ट और वो लेके, और वो चक्कर लगाएंगे लड़की के कॉलेज और पॉलिटेक्निक इसके आसपास। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वो बड़े कूल लगा करते थे उस जमाने में है ना। वो कभी एक बार मुझे अच्छे से जाने, मुझे बड़ा बुरा लगा था मन में और मैं बड़ा डर गया था, इसलिए वो इंसिडेंट शेयर करूंगा कि मेरे क्लास के और दूसरी क्लास के 4-5-6-8 लड़के थे जो थोड़े पढ़ने वाले लड़कों को जो टीस करते थे। मैं पढ़ता था, मैं ब्रह्मी आंवला केस तेल लगा के जो है बाल चपटे करके पढ़ने स्कूल जाया करता था, अपने टीचर ने पूछा बता दिया, एकदम पढ़ने वाला सीधा साधा लड़का था। ठीक है, तो मैं क्लास में टॉप भी करता था, मैं टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे मेरे, कुछ समझ मैं कम बात किया करता था, मैं कम लोगों से बात करता था। तो एक दिन मुझे लड़कों ने उन्होंने रोक लिया कि जरा मंडीदीप, जरा मैं मंडीदीप से अप डाउन किया करता था, मंडीदीप मेरे मामा जी रहा करते थे, ए मंडीदीप जरा। क्लास के लड़के थे गुंडे टाइप की उनकी इमेज थी, इसको मार दिया उसको मार दिया, क्लास में लड़ लिए, स्कूल में लड़ लिए, टीचर से लड़ लिए के। तो एक दिन मैं जा रहा था निकल के स्कूल से, तो ए मंडीदीप बुलाया, 5-6 लड़के बैठे हुए थे, स्कूल की बात आ रहा हूं मेरे को, एक ने बैग में से बियर निकाली, 2 बियर थी उनके पास, मिल बांट के बियर पी रहे थे वो, बियर पिएगा? मैंने कहा मैं बियर नहीं पीता, पता तेरे को बियर क्या होती है? मैंने कहा अल्कोहल। बोलते तुम पढ़ने वाले लड़कों की यही प्रॉब्लम है चिकने, ऐसा बोला उसने मुझे, बाल चपटे थे सर, पतला दुबला सा लड़का। तो एक पूछता उसे, ये चिकना कहां से आता है? मंडी से आता है, बियर नहीं पिएगा? पीनी पड़ेगी तो मार खाएगा। मैंने सिर नहीं झुका लिया। अब मेरे सोचो मेरी क्लास के लड़के थे, 12वीं क्लास के लड़के, मैं इतना सीधा था। अभी कोई बोला तो मार मार के भूत बना दूंगा, ठीक है, लेकिन उस जमाने में उस जमाने में जो है वो डर गया। फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो डर गया, फिर किसी ने बताया इसके पापा जज है, धार में पोस्टेड है उस समय, धार है उसे। तो फिर थोड़ा उन्हें लगा कि नहीं ठीक है, लगा ये तो जूते देखो, उसके जूते देखो प्लास्टिक के जूते पहना। अब वो उस जमाने में क्या था कि जो है बारिश का मौसम था, तो हमें मैं जो ब्लैक शू चला करते थे स्कूल में, तो मैंने ब्लैक शू गलती से जो है पापा ने कहा था लेदर के शू लेना, मैं दुकान पे गया, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने प्लास्टिक वाले जूते ले लिए। अब बच्चे था मैं कम समझ वाला, देखो प्लास्टिक के जूते पहना, जज का लड़का नहीं हो सकता है, जज का लड़का नहीं हो सकता प्लास्टिक के जूते पहना है ब्लैक कलर के। चुपचाप से मैं आ गया अपनी क्लास में बैठा, मन में बड़ा बुरा लगा, रुआसा हो गया, एक तो अपमान पिताजी का भी मेरा भी सबका। मैंने पढ़ना जारी रखा, सच कह रहा हूं, 10 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई कभी, वो जो सलमान खान था हमारी क्लास का जो सबसे बड़ा गुंडा था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था एज ए क्लर्क, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, हालत देख के लग रहा था कि परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, पिताजी की बाद मृत्यु हो गई, घर पे कर्जा भी था ये सब था, तो मतलब वो मजबूरी में फंस गया। सारे लोगों से मिला मैं, कोई सेल्समैन बन गया, कोई कुछ चला गया के, फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने महसूस किया कि वो दोस्त फर्क तो पड़ता है, वो किताबी ज्ञान और वो दुनियादारी में किताबी ज्ञान जीत गया। दुनियादारी जो है ना वो 99% लोग ऐसे ही सीख जाते हैं चलते फिरते, आज मुझे कोई बुलाकर देखे मैं भी सीख गया हूं, लेकिन जब मैं जो चीज जरूरी थी वो सीखना था वो मैं तब सीख चुका था, तब वो नहीं कर रहे थे जो मैं कर रहा था, आज मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये फर्क है।
मैंने कहा ना, मजबूरी नहीं, मजबूती पे फोकस।